देखो ये प्रिज्म है और हम लोग इसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ एंगल ऑफ डेविएशन, वो एंगल ऑफ डेविएशन पहले समझ लेते हैं, फिर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन समझेंगे। उससे पहले दो इंटरफेस हैं ए बी और ए सी, ये दो इंटरफेस इंक्लाइंड हैं एक दूसरे के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पे। किस एंगल पे? इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये एंगल 10 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है और 10 डिग्री से छोटा भी हो सकता है, तो इसलिए इसके दो केसेस बनेंगे, 10 डिग्री से बड़ा या इक्वल टू 10 डिग्री। तो इस केस में अलग सिचुएशन होती है, और एंगल ऑफ प्रिज्म अगर 10 डिग्री से छोटा होता है तो उस केस में अलग केस बनता है। तो वो दोनों केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अभी हम एंगल ऑफ डेविएशन समझते हैं। तो लाइट रे पी से क्यू इंसिडेंट हुई ए बी इंटरफेस पे, दिख रहा है इंसिडेंट हुई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब ये दूसरे मीडियम में गई, इस मीडियम को म्यू टू कहा, प्रिज्म का जो मीडियम है म्यू टू कहा, और एयर का मीडियम को म्यू वन कहा। अब ऑब्वियस सी बात है म्यू टू जो है वो ग्लास है, प्रिज्म जनरली ग्लास का ही बनता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल ये जो लाइट रे है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इसको आर वन हमने कह दिया। अब ध्यान से देखना, अब अगले मीडियम मतलब इसी मीडियम में जब इस इंटरफेस से टकराई, एसी मीडियम से टकराई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस इंटरफेस के लिए कहा हमने आर टू, और फिर ये अगले मीडियम में म्यू वन में फिर से गई यानी एयर में गई, तो इसको इस एंगल को कहा हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस, बाहर निकली तो इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस ई से डिनोट किया जाता है। अब एक्चुअल पाथ क्या था? ये लाइट रे आ रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे इसका एक्चुअल पाथ था। अगर रास्ते में अगर ये प्रिज्म नहीं आता तो लाइट रे ऐसे ही तो जाती, सीधे ऐसे निकल जाती, ये डॉटेड लाइन से जो मैंने शो किया है। लेकिन लाइट गई किधर, किस फाइनली डायरेक्शन में? इधर गई। अब इसमें अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊँ तो एक्चुअल पाथ ये था और जा रही इधर, तो इन दोनों के जो बीच का जो एंगल है ये, यही आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है, जितना डेविएट हो गई, जितना एंगल एक्चुअल पाथ से डेविएट हो गई, वो एंगल आपका एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। याद रहेगा ये पॉइंट? अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, क्योंकि ये वाइट लाइट है और वाइट लाइट जो होती है उसका वेवलेंथ का एवरेज जो होता है सातों लाइट का, यानी सातों कलर की लाइट का जो एवरेज आता है वो येलो लाइट के वेवलेंथ के बराबर होता है। तो ये मैंने पूरा जो पाथ बनाया है, अगर तुम यहाँ से रिफ्रैक्शन की बात करोगे तो रेड कलर का डेविएशन कम होता है और वॉलेट कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली डेविएशन जब ज़्यादा रेड कलर का कम होता है और वॉलेट कलर का ज़्यादा होता है, तो अगर तुम डिस्पर्जन इस केस में हो जाएगा, लाइट रे ऐसे जाएगी, रेड ऊपर वॉलेट नीचे, है ये वाइट लाइट लेकिन क्योंकि रेड कलर का डेविएशन कम हो रहा है और वॉलेट का ज़्यादा हो रहा है तो ये डिस्पर्स हो जाएगी। लेकिन हमने क्या यूज़ किया है, हमने ये कहा है कि ये येलो लाइट को ही हमने थ्रू आउट यूज़ किया है, येलो लाइट यहाँ भी, येलो लाइट यहाँ भी, येलो लाइट यहाँ भी, क्योंकि येलो लाइट का पाथ वही होगा जो वाइट लाइट का होगा। तो सिंगल पाथ से हमने शो किया है, इसका मतलब हम येलो का इस्तेमाल करें। जनरली हम लोग जब बाहर निकलते हैं, सूरज की रोशनी आती है, अर्थ पे पड़ती है, तो उसमें येलोइश कलर होता है कि नहीं होता है? ध्यान दो, सनलाइट को वाइट लाइट हम लोग बोलते हैं लेकिन उसमें येलोइश कलर होता है। उसके पीछे वजह क्या होती है? सातों कलर का, जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं ना, वॉलेट, इंडिगो, ठीक है, जितने भी कलर हैं सबका जो कम्बिनेशन होता है, वो वेवलेंथ का और फ्रिक्वेंसी का जो एवरेज निकालोगे वेवलेंथ का, तो वो येलो कलर की वेवलेंथ के बराबर होता है। इसी वजह से हमको वाइट लाइट जो है अक्सर येलो कलर की, जैसे सनलाइट होती है ना, तो येलो कलर की इसी वजह से दिखती है, करेक्ट है? तो वाइट लाइट का वेवलेंथ जनरली हम लोग येलो लाइट की वेवलेंथ के बराबर लिख सकते हैं, ये पॉइंट याद रखना, इसको भूलना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, इसको हटा दे रहे हैं, सबसे पहले इसको हटाएं, ये तो हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, क्यों सिंगल लाइट से हमने शो किया है? अच्छा, अब देखो, ध्यान दो, ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर ध्यान से देखो, ए क्यू आर और ये पॉइंट कर दें
मान लो एल पॉइंट कह देते हैं, ए क्यू आर एल, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ध्यान से देखो, देखो क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, ए ये है, क्यू ये है, एस सॉरी आर है, और ये हो गया आपका एल। तो यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है और ये 90 डिग्री बन रहा है। अगर दो एंगल का सम 180 हो गया तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है, तो दो एंगल का सम 180 हो गया, तो बचे हुए दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल, अगर इसको एक्स या अल्फ़ा मान लें, इस एंगल को अल्फ़ा मान लें, तो ए प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 180 के बराबर होगी। ध्यान से देखो, सही है। अब एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, ज़रा ध्यान से देखना इस ट्रायंगल को, क्यू आर एल, इसमें ये एंगल है आर वन, ये एंगल है आर टू, और ये एंगल है अल्फ़ा। देखो क्यू आर एल ट्रायंगल दिख रहा है, क्यू आर एल ये वाला ट्रायंगल दिखा ना। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? उसका भी 180 होता है। तो अगर हम देखें, ध्यान से देखें, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन को 180 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए लिख सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन को, अल्फ़ा को उधर भेज दिया 180 माइनस अल्फ़ा, तो क्या हो गया 180 माइनस अल्फ़ा ए के बराबर हो गया। इसको भी वही करें, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा, और ये वैल्यू ए के बराबर होगी, यानी आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए होगा। एंगल ज़रा ध्यान से देना, इधर जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको पॉइंट दे दो, इस पॉइंट को ओ कह दो, ठीक है। और मैं एक ट्राइंगल फिर से, ये ओ है, ये क्यू है, और ये आर है, ठीक है। तो अब यार देखो, ये एंगल कितना होगा? अगर ये पूरा आई है तो यहाँ से यहाँ तक आई होगा, ये आई माइनस आर वन होगा ये एंगल, और ये ई है तो ये एंगल ई माइनस आर टू होगा, यानी ये एंगल हो गया आई माइनस आर वन, क्योंकि आई वर्टिकली अपोजिट एंगल था आई, और उसमें से आर वन सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये एंगल हो गया आई माइनस आर वन, आई माइनस आर वन, और ये ई है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये टोटल ई होगा, उसमें से आर टू सब्ट्रैक्ट करना, ई माइनस आर टू, ई माइनस आर टू, और ये है डेल्टा। तो एक ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा है, ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए। टेंथ में, नाइन टेंथ में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, यानी आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, ये हो गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई इज इक्वल टू माइनस आर वन प्लस आर टू, और आर वन प्लस आर टू की वैल्यू कितनी है? ए के इक्वल है ना, ए के इक्वल है। अच्छा, अब ध्यान देना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का जो क्राइटेरिया है, मिनिमम डेविएशन के लिए आई और ई की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इसलिए आर वन और आर टू भी इक्वल हो जाते हैं। आई और ई इक्वल होने चाहिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए, तो उस वजह से आर वन और आर टू भी इक्वल हो जाते हैं। इसको आर अगर मैं कंसिडर कर लूँ, तो आर अगर कंसिडर करें तो आर प्लस आर इज इक्वल टू ए होगा, यानी आर इज इक्वल टू ए बाई टू होगा, आर इज इक्वल टू ए बाई टू होगा, और आई इज इक्वल टू ई के बराबर है। तो ये जो सिनेरियो होगा,